नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। ग्वालियर की जनता से चुनाव को लेकर हमने एक खास चर्चा की है, चर्चा चौराहे में आपको दिखाते हैं। बढ़ाने प्रगति के पथ पर जिस तरह अभी चल रहा है उसको और गति देने का देश का मूड है। भ्रष्टाचार पे कोई भी पार्टी बात नहीं करती है और हमें इस चीज को देखना जरूरी चाहिए कि छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना है। एक अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित डॉक्टर या कम पढ़ा लिखा डॉक्टर एक व्यक्ति को मारेगा, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति जो सरकार चलाएगा वो लाखों लोगों को मार देगा। ग्वालियर का बहुत ज़्यादा विकास अगर अन्य शहरों की तुलना में अगर माना जाए, देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते आप। लोकसभा चुनाव के मतदान के अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं और कुछ घंटों बाद जनता की राय ईवीएम में बंद हो जाएगी। जनता अपना फैसला कर देगी लेकिन फैसला सुनाया जाएगा जून के महीने में। उससे पहले सियासी दलों के नेताओं ने तमाम तरह के एजेंडे जनता के सामने रखे, तमाम वादे किए, तमाम तरह की गारंटियां दी, लोगों को अपना समर्थन हासिल करने के लिए तमाम तरह के भविष्य के सपने दिखाए, लेकिन वाकई में ये चुनाव किस आधार पर हो रहा है? इस चुनाव का मूल एजेंडा क्या होना चाहिए? देश के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है? इन तमाम चीज़ों को लेके इस समय ग्वालियर के प्रबुद्ध जनों से हम बात करेंगे। मैं इस समय ग्वालियर के मानस भवन में हूँ। यहाँ अक्सर इस तरह के तमाम चर्चाएं होती हैं, तो आज एक चर्चा चुनावी चर्चा है जिसमें हम बात करेंगे विकास की, हम बात करेंगे समस्याओं की और हम बात करेंगे प्रमुख की कि आखिर चुनाव जा कहाँ रहा है, कैसे ये चुनाव हो रहा है, जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या चल रहा है। आप तमाम सारे लोग हैं, एक एक से मैं परिचय भी करा दूं इन सभी का। महेश मुदगल हैं, बड़े समाज से भी हैं, केडी सोनकिया हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, काजू जी हैं, समाज सेवक हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, आप वकील, टीचर, तमाम तरह के प्रोफेशनल्स लोग भी हमारे साथ हैं। और ये देखिए, कटारे जी हैं, ये भी बड़े समाज से भी हैं ग्वालियर में, तमाम तरह के प्रबुद्ध जनों के सम्मेलनों में ये भाग लेते जाते हैं। और कुछ सियासी दलों से जुड़े हुए लोग भी हैं। हरिदास अग्रवाल जी देखिए, बीजेपी का पट्टा पहना हुआ है इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। सबसे पहले तो महेश मुदगल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूल एजेंडा इस चुनाव का आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करते हैं तो दोनों के एजेंडे में आपको दिख कहाँ रहा है भारत का भविष्य? अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपन देखें तो निसंदेह राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत जो दल है, राष्ट्र की भावनाओं को प्रखर रूप से जो व्यक्त करता है, राष्ट्र के मूल मापदंडों को आगे ले जाता है, उसकी तरफ लोगों का रुझान है। लेकिन कहीं कहीं जहां व्यक्तिगत तौर पर जो प्रत्याशी हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो वो बात एक अलग है, लेकिन मूल भाव अगर देखा जाए तो इस देश को आगे बढ़ाने प्रगति के पथ पर जिस तरह अभी चल रहा है उसको और गति देने का देश का मूड है, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब ये मान सकते हैं कि जैसा देश का मूड है वैसा अगर प्रत्याशी नहीं है तो भावनाएं प्रत्याशी की तरफ चली जाएंगी क्या? जाएंगी नहीं, कम ज़्यादा तो होंगी, बट नेचुरल है, कम ज़्यादा तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हावी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन भावना तो कम ज़्यादा होगी और स्वाभाविक है। भाई आपका अंतर आ सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पूरा जनमानस केंद्र में बैठे हुए जो आपकी आज की सरकार है उसके प्रति झुकाव है, ऐसा जनमानस का प्रतीत होता है। मैं इधर भी बात करूँ, जरा मैं रामबाबू कटारी जी से बात कर लूँ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत लंबा समय देख लिया आपने, न जाने कितने चुनाव करा लिए होंगे। मुझे लगता है आपने 20 के करीब तो चुनाव करा लिए होंगे, सब छोटे बड़े मिला के। कुछ बदला हुआ और स्वरूप इस बार आपको दिख रहा है पिछले कुछ सालों से? पूरी तरह बदला हुआ है। हाँ। अभी तक 2-3 दिन बाद ये चुनाव है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई शहर में इलेक्शन चल रहा है। कारण उसका यह है विनोद जी कि न तो राजनीति में कहीं नैतिकता रही और ना ही पार्टियों, आज पार्टियां गौड़ हो गई हैं, आज चुनाव व्यक्ति लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी जी लड़ रहे हैं, विपक्ष में सामने राहुल गांधी हैं। उसके बाद पहले एक चेन हुआ करती थी नेताओं की और चुनाव में अपनी अपनी दलों की
पॉलिसियां बताते थे, अपने अपने दलों की नीतियां बताते थे, और जो मैनोफेस्टो आते थे उसमें जो भविष्य के लिए जो नीति होती थी वो होता था। आज उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात, जनता भी उससे प्रभावित नहीं हो रही। उसका कारण ये है कि हमने आपको चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी होने के नाते भेजा है, और आप जाके वहाँ बीजेपी के हो जाते हो, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, नैतिकता खत्म हो गई। आप कह रहे हैं नैतिकता खत्म हो गई। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आशीष जी, ये जो बराबर लोगों का मैं दल बदल देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, सालों से लगातार, इस दल बदल का मतदाता के मन मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? निश्चित तौर पर पड़ता है, और इससे क्या होता है कि व्यक्ति की छवि के साथ साथ पार्टी की छवि भी धूमिल होती है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव अवश्य पड़ता है कि यदि हमने वोट दिया तो हमारा वोट खराब तो नहीं हो रहा, कहीं जाना जब एक ही तरफ है तो इधर उधर वोट देने से फ़ायदा क्या है। इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है, और हमें इस चीज़ को देखना जरूर चाहिए कि छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना है। हमें वोट जरूर देना है, वोट देने के लिए ऑप्शन है, उसमें नोटा है, सब कुछ है, लेकिन वोट अवश्य देने जाएँ। हवा क्या चल रही है ग्वालियर की? ये तो अभी जून में ही पता लगेगा। फिलहाल तो ये है कि विकास का मुद्दा है, और हमें विकास को अवश्य देखना है कि आगे कोई बदलाव का मुद्दा है। बदलाव का कोई ऐसा विशेष मुद्दा नहीं, ग्वालियर शहर है, ग्वालियर आदि अनादि कालों से विशेष छवि वाला शहर रहा है। केडी सोनकिया जी से बात कर लेते हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, बड़े लंबे समय तक इन्होंने पुलिस सेवा की है। समाज की तमाम तरह की बुराइयाँ समस्याएँ पुलिस के पास आती हैं। सोनकिया जी, आपको इस समय देश प्रदेश में कोई बुराई नज़र आ रही है? जनता अपना वोट देने जाए तो उसे क्या अच्छाई दिखना चाहिए? देखिए, लोकसभा के चुनाव तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही इस चुनाव में देखे जाते हैं। ये बात अलग है कि चंबल या ग्वालियर संभाग का थोड़ा सा मिजाज अलग टाइप का है, और यहाँ जाति समीकरण भी काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का जब मुद्दा आता है तो राष्ट्रीय स्तर के जो विचार हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जब निर्णय करना होता है लोग, तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से भी इस समय भी राष्ट्रीय राजनीति को केंद्रित करके चुनाव में यहाँ भी लोग इस बात के लिए निर्णय करेंगे, ऐसा समझ में आता है। अब जहाँ तक अगर ये स्थानीय मुद्दों की बात करें तो देखिए, एक मुद्दा सबसे ज़्यादा जो आता है वो जिसको कोई उठाता नहीं है, वो समझ में आता है, वो है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार पे कोई भी पार्टी बात नहीं करती है। राजनीतिक नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज अगर कहीं भी पूरे समाज में अगर उसको देखा जाए तो सबसे घटिया स्तर पे वही निकलेगी, क्योंकि ना तो उनकी विश्वसनीयता रहेगी और ना ही उनकी कोई भरोसेमंद बात रह गई है। अब बात यह आती है कि किस पे भरोसा किया जाए, कितना किया जाए, तो फिर लोग जिस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इस समय मुद्दा विकास के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी इस चुनाव में काम कर रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि आप किधर जा रहे, अगर वो कोई ये कह दे कि हम तो राष्ट्र के साथ हैं, तो एक स्पष्ट संकेत चला जाता है कि कोई एक विशेष पार्टी के साथ राष्ट्र। अच्छा, कोई ये कह दे हम राष्ट्र के साथ नहीं, हम तो प्रत्याशी के साथ हैं, तो क्या फैसला होने जा रहा है? इसका मतलब ये होता है कि स्थानीय स्तर पर कोई प्रत्याशी कौन है? राष्ट्रवादी विचारधारा की द्योतक केवल भाजपा है, ऐसा संदेश पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है, राष्ट्रवादी विचारधारा का। और अगर कोई ये कह देता है हम तो राष्ट्रवादी के साथ हैं, तो इसका मतलब होता है वो भाजपा को वोट देने जा रहा है। अगर कोई कहता है हम राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं, हम व्यक्तिवाद के साथ हैं, तो व्यक्तिगत का मतलब होता है कि वो उसके साथ नहीं है जो भाजपा का कैंडिडेट है, वो दूसरी तरफ जा रहा है। ये इस तरह से इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सोनकी जी, मैं इधर भी बात कर लेता हूँ। हरिदास जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास की जो तीनों चारों सीटें हैं वो जीत पा रही है कि नहीं जीत पा रही? देखिए साहब, सबसे पहले तो ये है कि पूरे देश में जो माहौल है, मोदी जी के सफल नेतृत्व का प्रभाव पूरे देश में कायम है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत कर, क्योंकि मोदी जी के कार्य प्रणाली में तुष्टिकरण नहीं है, सबके साथ एक सा व्यवहार है। और दूसरा यह है कि जिन भावनाओं को लेकर के सकल समाज अभी तक चल रहा था, वो ये था कि राम मंदिर निर्माण, तीन तलाक, और यहाँ तक लोग कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, तो मोदी जी के राज में महिलाओं की सुरक्षा केवल हिंदू समाज की नहीं, मुस्लिम समाज की भी जो है उन्होंने कायम किए, तीन तलाक को के मुद्दे को ख़त्म करके, और राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 खत्म हुई, और अब जनता एक ही तरफ देख रही है कि समान नागरिक कानून लागू जब देश में होगा। मतलब बीजेपी
बीजेपी जनता पार्टी की नीति से जनमानस पूरी तरह से संतुष्ट है, देश पूरी तरह से प्रगति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, प्रियंका गांधी मुरैना में आई और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो देश का सच नहीं है, देश का सच है महंगाई, देश का सच है बेरोजगारी, देश का सच है छोटे छोटे दुकानदार कामगार का धंधा चौपट हो जाना, बड़े बड़े टैक्स लगाना, ईडी सीबीआई ये सारी चीज़ें, ये प्रभावित तो नहीं कर रही हैं लोगों को? माननीय प्रियंका गांधी ने जो शब्द बोले वो बिल्कुल स्पष्ट इस बात संदेश है कि सच्चाई जो सामने नज़र आ रही है वो उन्होंने व्यक्त करी, जिस सच्चाई को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। अगर वास्तव की बात मैं करूँ, अगर मैं दोनों दल से अलग हट जाऊँ, एक वोटर ग्रुप बात करूँ, तो मेरा शुरू से एक कहना रहा है कि जिस जगह पर हमारे देश के माननीय नेताओं के इलाज होते हैं उस जगह पर आम आदमी का इलाज हो सकता है क्या मुफ्त? दूसरा, जिस जगह पर राष्ट्र के नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे आम आदमी बच्चा पढ़ सकता है क्या? इसी का परिणाम है कि आज पूरा देश के अंदर उदासीन चुनाव हो रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ काजी जी, अगर कोई ये कहे कि राष्ट्र के हित में कोई काम नहीं हो रहा है तो क्या वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी राष्ट्र के हित में काम हो रहा है वो तो जो भी है सब राष्ट्र के हित में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपने एक बात पूछी थी, मैं उसका बता दूं कि व्यक्ति कैंडिडेट के हिसाब से भी ग्वालियर संभाग में वोट देने के लोगों का मूड है। जैसे कि बात करें, जो भी यहाँ पे है कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट हैं और भी कैंडिडेट हैं, तो झुकाव पढ़े लिखे कैंडिडेट की तरफ लोगों का है, मन भी है, झुकाव भी है कि कौन यहाँ पर कर सकता है इस टाइप से। मतलब कांग्रेस जीत रही है यहाँ? अभी तक तो ऐसा ही है, अभी तक तो ऐसे ही। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, जनता के मन में क्या चल रहा होगा? कोई आपसे चर्चा होती है, जनता क्या सोच रही है? जनता अपने विकास, अपने परिचय के लिए सोच रही है, मतलब विकास के लिए। हाँ। कि पढ़े लिखे उनको ही आना चाहिए, पढ़े लिखे को आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने की, पढ़े लिखे को आना चाहिए। अब मैं ज़रा इधर पूछ लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, शहर में एक प्रत्याशी के होर्डिंग लगे हैं, शिक्षित ग्वालियर का भविष्य, आपको लगता है कि लोकतंत्र में शिक्षा इतनी ज़रूरी हो गई है क्या चुनाव के लिए? लोकतंत्र में शिक्षा इतनी ज़रूरी है कि संविधान तो नहीं कहता ना? संविधान भी कहता है शिक्षित बनाओ, संविधान में लिखा हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए आर्टिकल 21A कहता है, चुनाव लड़ने के लिए भी शिक्षा जरूरी है साहब। अशिक्षित लोग अगर वहाँ जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री बन जाएंगे तो डिपार्टमेंट कैसे चलाएंगे साहब? अगर शिक्षा मंत्री बन गए शिक्षा विभाग कैसे चलाएंगे? एक अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित डॉक्टर या कम पढ़ा लिखा डॉक्टर एक व्यक्ति को मारेगा, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति जो सरकार चलाएगा वो लाखों लोगों को मार देगा। तो अशिक्षित व्यक्ति सरकार में मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अच्छा आप ठीक, मैं इधर पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि शिक्षित प्रतिनिधि उनका होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं कहता सब स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ क्या होना चाहिए? नहीं, पढ़ा लिखा इंसान ही नेता बनना चाहिए, और पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई से ही अगर नेता अगर बन जाएगा, अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो आगे अच्छा काम करेगा, पढ़ा लिखा होगा। और अगर मिडिल क्लास बिठा दिया जाता है सीट पर तो वो काम कैसे करेगा एक बताओ? कोई भी मंत्री वगैरह बिठा देती है, बन जाता है मंत्री, बनने के बाद मंत्री जी अगर कोई पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको ज़्यादा काम का वो ही नहीं देता। बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नेता बनेगा, सरकार चलाएगा, जनता का नेतृत्व करेगा, ऐसा होना चाहिए संविधान में क्या? ऐसा ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही जीतना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि इस ग्वालियर की सारी जनता चाहती है इस बार प्रवीण पाठक ही जीते, कांग्रेस जीतेगी। इनका कहना है कांग्रेस है, हाँ, कि इस ये चंबल समाज की कम से कम चार सीटें आ रही हैं, कम से कम बीजेपी चार सीटें आ रही, चारों की चारों सीटें ये दे रहे हैं। मैं बात कर लूँ, मैं थोड़ा आपसे बात कर लूँ जरा, कौन जीत रहा है चुनाव ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में? देखिए ग्वालियर में तो जहाँ तक रुझान मुझे नज़र आ रहा है कि लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए अग्रसित हैं, चाहते हैं कि उस पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट डालें। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि प्रवीण पाठक जी की तरफ जनता का काफ़ी झुकाव आ चुका है और उम्मीद है कि उनकी सीट निकलने की संभावनाएँ बढ़ चुकी हैं। पढ़े लिखे की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की योजनाएँ,
तमाम सारे जनकल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्र हित, ये सारी चीज़ें कहीं काम नहीं आएंगी क्या? नहीं, बिल्कुल काम आएंगी और काम आ रही हैं, और जनता का कहीं ना कहीं माहौल बना हुआ है ये राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर, और राष्ट्रीय लेवल पर जितनी भी योजनाएँ लागू हैं इस योजना के अंतर्गत में देखा जाए तो माहौल बन चुका है और बना हुआ है ऑलरेडी, मतलब राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में, ठीक है। जरा मैं इधर भी बात कर लेता हूँ, आप थोड़ा आगे आ जाओ, आप आगे। आप जब वोट देने जाएंगी या कोई भी मतदाता वोट देने जाएगा तो उसके मन में क्या चलता है, शाम को क्या चलता है कि मैं किसको वोट दूँ, किस आधार पर वोट करूँ? जब वोट डालने जाते हैं तब तो कुछ और चलता है, और जब वोट डालते हैं वो व्यक्तिगत जाते हैं ज़्यादातर वोट डालने। व्यक्तिगत जाते हैं? जो व्यक्तिगत, वो व्यक्तिगत कैसा है व्यक्ति? व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, ग्वालियर में काम होना चाहिए, सुनवाई होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर विचार करें। महेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़ी बात हो रही है कि व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तमाम लोग मतदाताओं को प्रभावित कर लेते हैं, उसका उपाय कुछ है? ईमानदारी से तो उसका कोई उपाय है नहीं, क्योंकि आपके यहाँ भी चर्चा में आया कि जातिवाद, जैसे सोनके जी ने कहा, और भ्रष्टाचार, ये बहुत हावी है। लेकिन चुनावों की दृष्टि से अपन देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति का एक सोच अलग होता है। अब पढ़ा लिखा आदमी मतदाता हो गया है, मतदाता समझता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुझे क्या करना है, प्रांतीय स्तर पर क्या करना है, और नगर निगम के स्तर पर क्या करना है। तो अगर अपन इन तीनों को मिला देंगे तो कभी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। जो पढ़ा लिखा मतदाता है, जो वोट दे रहा है, वो ये सोचता है कि मेरी विदेश नीति क्या होना चाहिए, वो ये सोचता है कि मेरी अर्थ नीति क्या होना चाहिए, वो ये सोचता है कि मेरी समाज नीति क्या होना चाहिए, मेरी शिक्षा नीति क्या होना चाहिए। तो अब प्रश्न खड़ा होता है केवल मतदाता के पढ़े लिखे और समझदार होने पर, कि वहाँ जब केंद्र में सरकार चुननी है तो हमको किस दृष्टिकोण से चुननी है, और प्रांत में चुननी है तो किस दृष्टिकोण से चुननी है। तो इनमें बहुत अंतर होता है, और उस अंतर को आपको रेखांकित करना ही होगा। अगर उसका आप घेलमाल कर देंगे तो आप कभी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। दो तीन सवाल मैं जरा ग्वालियर के विकास से संबंधित पूछ लेता हूं। सोनकिया जी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से जीते, केंद्र में मंत्री रहे, वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उससे पहले माधवराव सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से चुनाव लड़े। समय के आधार पर ग्वालियर शहर कितना आगे कितना पीछे? ग्वालियर का बहुत ज़्यादा विकास, अगर अन्य शहरों की तुलना में अगर माना जाए, देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते आप। राष्ट्रीय स्तर के कुछ संस्थान यहाँ काम कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो विकसित शहर के रूप में अगर अपन मानेंगे तो ग्वालियर कहीं भी नहीं लगता। इससे आगे भोपाल है, हालांकि राजधानी है, इससे आगे इंदौर है, इंदौर सर्वश्रेष्ठ है। स्वच्छता के मामले में ग्वालियर सबसे घटिया स्तर पर है, सबसे गंदे रोड, घटिया रोड, सफाई एकदम निम्न स्तर की यहाँ ग्वालियर में मिलेगी आपको। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हम देखें तो ग्वालियर शहर या मध्य प्रदेश या पूरे देश की बात करें तो लोगों के मन में मोदी चल रहे हैं कि ग्वालियर का प्रत्याशी चल रहा है? ग्वालियर का प्रत्याशी चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, यही स्वतंत्रता है हमारे देश की, कि टेलीविज़न कैमरे के सामने लोग बेबाक होकर अपनी राय रख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि देश में, प्रदेश में या शहर में भ्रष्टाचार कितना पनपा हुआ है, क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इन सबको मिटाने का केवल एक ही अधिकार है, आपका मत। और इसके अधिकार का उपयोग आप बहुत सोच समझकर कीजिए। आप उस व्यक्ति को अपना नेता चुनिए जो समाज के लिए अच्छा काम करे, जो देश और शहर के विकास के लिए काम करे, जो आपके लिए अच्छा हो, जो पूरे प्रदेश और देश में अपनी एक अलग छवि बनाए। फैसला आपका है। कुछ घंटों बाद देश में नई सरकार का नेतृत्व का निर्णय होने जा रहा है, इसलिए हमारी भी ये गुजारिश है कि वोट देते समय ज़रूर अपना फैसला सोच समझकर करें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।